दोस्तों, हर एक के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई बड़ी समस्या जरूर आती है, और जब वो बड़ी प्रॉब्लम आती है तो इंसान या तो टूटता है या तो बनता है। तो समस्याएं भगवान के जीवनों में भी आई है, तो उसी की कुछ लाइनें हैं। अगर आप इसको रिलेट कर पाए तो डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत सूरवीर समझेंगे। तो क्या होता है जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में जाते हैं पांडवों का संदेशा लेकर, पर दुर्योधन का अहंकार भगवान श्री कृष्ण को बोलता है कि इस ग्वाली को बंदी बना लो। तो भगवान श्री कृष्ण क्रोध में आकर बोलते हैं, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों की चूम चूम से दुविधा में पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य हर दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मित्र की राह बताने को सबको सुमार पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रख लो धरती अपनी तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन परसीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध वो साधने चला। जब विनाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब विनाश मनुष्य ने पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, जगमग जगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपत होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन में आदि सृजन, ये देख महाभारत करण, मृतकटों से पटी हुई वो है पहचान दुर्योधन, इसमें कहां तू है। उदयाचल मेरा दीप्ति बाल भूमंडल बद छल विचार, भुजपरी दीवन को घेरे है, मैं नाक में रूपक मेरे है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर बर पट पर है मेरे मुख के अंदर। द्रग है तो दृश्य खांड देख मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चरचर जीव चरचर अक्षर निर्भर मनुष्य जाति अमर, सतकोटि सूर सतकोटि सत सतकोटि सरित सतसिंधु मंद्र सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि विष्णु जलपति गणेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडवर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सजन, ये देख महाभारत कारण, मृतकटों से पटी हुई भू है पहचान दुर्योधन, इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देखे पद के नीचे पाताल देखे, मुट्ठी में तीनों काल देखे, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं पर लौट मुझी में आते हैं। जिन हाथ से कटती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती, मेरी दृष्टि जर हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है दुर्योधन, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध, नंद गगन सुने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। दुर्योधन हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तोले में अब जाता हूं अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वर्दी प्रखर, फिर से नाक का डोलेगा विकराल काल मुख खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, बिजवाड़ बूंद के छूटेंगे, भया श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूदाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सब लोग डरे, चुप थे आधे आधे बेहोश पड़े, केवल दो नर अगाते थे, दृष्टराज विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमोद निर्भय, दोनों पुकारते थे जे जे, दोनों पुकारते थे जे जे। सो दोस्तों, जिंदगी में समस्या आएंगी, पर भगवान श्री राम और पांडवों से बड़ी समस्या नहीं आएंगी। वो तो राजा महाराजा थे यार, जब उसके उन वो लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं तो भाई हम तो नॉर्मल इंसान है, हमें तो अपनी जीवन में संघर्ष ही करना है, और संघर्ष इंसान को महान बनाता है। तो निरंतर प्रयास करते रहें, संघर्ष करते रहें, जिंदगी में वो सब मिलेगा जो हम सोच सकते हैं। जय हिंद।